एवरीवन, वेलकम टू तरुण एस अकेडमी। दिस साइड सौम्या स्वागत करते हैं आप सभी का तरुण एस अकेडमी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और न्यूज आर्टिकल आपके लिए लेकर आई हूँ। जी हाँ, BSNL को लोग अपना रहे हैं, बोल रहे हैं वेलकम बैक BSNL, और जियो को कर रहे हैं टाटा बाय बाय सी यू। अब क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ ऐसा? तो यहाँ पे देखिए, बॉयकॉट जियो एंड वेलकम बैक BSNL के जो एक टैगलाइंस है, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, ट्विटर पे देखेंगे, हर जगह जो है इन टैगलाइंस को आप देखेंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। दरअसल बात यह है कि जियो, एयरटेल और साथ ही साथ वोडाफोन की जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। कुल मिला के जो मंथली प्लान्स दिया करते थे, वो उनका प्राइस जो है एक मेजर मार्केट से इंक्रीज हुआ है। अगर बात करें जियो की, तो 25% ओवरऑल हाइक हुआ है प्राइजेस में। अभी अपने आप में सडन इंक्रीज इन द प्राइजेस है, और बहुत ज्यादा प्राइजेस यहां पे इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद लोग जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं। अपसेट होंगे भी, क्यों नहीं भाई, एक बड़ा मुद्दा है। इसी तरीके से अगर महंगाई तेजी से बढ़ती रहेगी, तो लोगों का खफा होना बिल्कुल जायज है। और साथ ही साथ यहां पे जो है BSNL को लोग वेलकम कर रहे हैं। हालांकि BSNL की सर्विसेज अभी उतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है, बट BSNL जो है एक बहुत बड़ा प्लान लेकर आ रहा है, तो उसको हमें जानना होगा। और साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है कि 16.4 लाख ओवरऑल कस्टमर्स जो है यहां पे ऑलरेडी आप कह सकते हो कि BSNL को लेने के लिए जो है उतावले बैठे हैं। भारत की जो जनसंख्या है, ओवरऑल 100 करोड़ लोग जो है आज की डेट में इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब आप जान सकते हो कितनी बड़ी मार्केट है ओवरऑल इंटरनेट या मोबाइल सब्सक्राइबर या मोबाइल यूजर्स मार्केट। अब इसके साथ ही ओवरऑल BSNL को लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर देखिए इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि ओवरऑल अगर प्राइस देखे जाए, देखिए प्राइस अगर देखा जाए, तो जहां पर BSNL 199 रुपए में जो है आपको 2G का पूरा पैक देता है मंथली का, तो सेम चीज एयरटेल जो है वो 379 में देता है। वही बात करें जियो की, तो जियो देता है 349 में, और इसकी वैलिडिटी देता है 28 दिनों तक, पूरे 30 दिनों तक भी नहीं देता है। ठीक है, तो कुल मिला के आधे दाम पर जो है BSNL अपनी सर्विसेज को इस्तेमाल करता है। अब बात यह है, BSNL ना लेने के पीछे लोगों का बस एक कारण यह है कि उसकी सर्विसेज, तो BSNL जो है अपनी सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए एक मास्टर प्लान लेकर आ गया है। अब वो मास्टर प्लान क्या है, इसके बारे में जानना होगा। ठीक है, आप देखिए 5G सर्विसेज तो BSNL के पास अवेलेबल है नहीं, 4G सर्विसेज के लिए जो है एक मास्टर प्लान BSNL लेकर आ रहा है, जहां पे 3500 टावर्स जो है BSNL जगह जगह पर इंस्टॉल करेगा, यानी पूरे भारत में 3500 टावर से भी ज्यादा BSNL के इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसके बाद जो BSNL की सर्विसेज है वो हो जाएंगी चकाचक। यानी जो लोगों का एक ओवरऑल कंप्लेन है, या कह लीजिए कि एक आशंका है कि वो जो है क्यों BSNL की तरफ नहीं देख रहे हैं उनकी उसकी सर्विसेज के कारण, तो यानी ये तो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर वो चीज आपको आधे दाम पे मिले, तो क्यों ना जो है BSNL की तरफ ही चल पड़े। ठीक है, तो यहां पे BSNL कि अगर बात करें, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि BSNL एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो है, यहां पे दोनों का एक कोलैबोरेशन हो रहा है, जहां पे मेजर टावर्स लगाए जाएंगे, ना सिर्फ फॉरवर्ड एरियाज में बट बैकवर्ड एरियाज में भी, ताकि पूरे देश भर से जो है लोग BSNL से कनेक्ट हो जाएं। तो कुल मिला के मोबाइल मार्केट में आप देखोगे, इंटरनेट की मार्केट में आप देखोगे, एक और बिग प्लेयर यहां पे एंट्री लेने के लिए जो है बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। तो इस बार वो जियो नहीं है, इस बार वो है BSNL। अब टुगेदर अगर बात करें, तो 86.9 मिलियन सब्सक्राइबर जो है ओवरऑल, आप कह सकते हो कि इनफैक्ट लेस देन 1% ऑफ देम यूटिलाइजिंग दी 4G सर्विसेज मार्केट। शेयर जो है वो है 79.7.95%। कुल मिला के 4G की जो मार्केट है, 4G की जो सर्विस है, वो अब BSNL में भी आपको जो है एकदम चकाचक मिलेंगी। ठीक है, तो जब 4G की सर्विस आपको एकदम चकाचक BSNL में मिलेगी, साथ ही साथ उसका प्राइस भी कम होगा, तो बस इसीलिए जो है लोग BSNL की तरफ दौड़ रहे हैं, BSNL की तरफ भाग रहे हैं। और इसीलिए जो टैगलाइन है, जो हैशटैग्स हैं, BSNL वेलकम एंड टाटा बाय बाय जियो, आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अब इंस्टाग्राम है, रील्स है, यूट्यूब है, तो एक और चीज ये भी है कि जो अंबानी साहब का जो आलिशान लाइफस्टाइल है, शादी का उनके घर पे माहौल चल रहा है, और जिस तरीके से आलिशान शादी की जा रही है, लोग ऐसा मान रहे हैं कि सारा पैसा शादी का जो है कुल मिला के आम पब्लिक, आम जनता से वो निकलवा रहे हैं, तो यहां पे ये भी एलिगेशन है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह की बातें होंगी,
करूंगी, बट जो फैक्चुअल डाटा था, फैक्चुअल न्यूज थी कुल मिला के, वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दी है। ओके, अब बात है पोर्ट, अपने नंबर को पोर्ट करना कैसे है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका जियो का सिम है या एयरटेल का सिम है या वोडाफोन का सिम है और आप नंबर को नहीं बदलना चाहते हैं, आपको सिर्फ बीएसएनएल में पोर्ट करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो वहां ये भी जान लेते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना होगा, एक एसएमएस भेजना होगा एक नंबर पे, जो नंबर है 1900, ये नंबर है 1900, उसके बाद एक स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद अपने मोबाइल, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का, उस नंबर को आप लिख देंगे और सेंड का बटन जो है वो दबा देंगे। उसके बाद आपका यूपीसी जो है एक कोड आएगा और 15 दिनों के अंदर अंदर जो आपका फोन उसी सेम फोन नंबर के साथ बीएसएनएल में आपका नंबर जो है वो पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा तरीका है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, एक छोटी सी पोर्टिंग फी होती है, तो वो पोर्टिंग फी जो है वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये अगर आप करोगे तो सिंपल बात ये है कि आपका जो ओवरऑल नंबर है वो कुल मिला के आपका बीएसएनएल में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए प्राइजेस में कितना डिफरेंस है, जहां 379 प्राइस मंथली दे रहे हैं एयरटेल और जियो, वही जियो के प्राइस जो है वो 349 है, वही देखिए यहां पर जो है 199 रुपीज में बीएसएल वो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यानी प्राइस देख लो बिल्कुल आधा प्राइस है, ठीक है। सो इसीलिए जो है लोग बीएसएल की तरफ भाग रहे हैं, अभी देखना होगा कि क्या होता है, कितने लोग छोड़ के भागते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आप भी जो है बीएसएनएल पे जा रहे हैं या जियो के साथ ही स्टिक करेंगे, कुल मिला के जियो एयरटेल और आपका वोडाफोन के साथ ही स्टिक करेंगे, या फिर बीएसएनएल की तरफ जो है आप भी बीएसएनएल को चूज करेंगे। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तरुण आईएएस तरुण चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर का बटन दबाना है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।